सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती में प्रदेश भर में तीसरी रैंक हासिल करने वाले बड्डावर गांव के निवासी प्रकाश वीर का जेटी देवी मेमोरियल अस्पताल में अभिनंदन किया गया है। अस्पताल के निदेशक श्रवण चौधरी, छात्र नेता हितेश कुमार जाखड़, पिता राम जैनी, बाबूलाल तेतरवाल, कपिल शर्मा, पंडित जुगल किशोर शर्मा ने प्रकाश वीर का माल्यार्पण कर वो उनको मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रकाश वीर ने अपनी सफलता का श्रेय बालाजी महाराज, माता पिता व दोस्तों को देते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बड़ावर गांव में किसान गोविंदराम वीर व गोमती देवी के घर 3 जून 1988 को जन्मे प्रकाश वीर की माध्यमिक तक की शिक्षा गाँव के ही स्कूल में हुई। उसके बाद राज्य के किसी भी स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा 2004 में पूर्ण की। प्रकाश वीर ने बताया कि सुजला कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने बीएड भी पूर्ण किया। वहीं 2010 में परीक्षा देकर कांस्टेबल बने और 2011 में कांस्टेबल का पद ज्वाइन करके 14 माह तक पुलिस सेवा में रहे। उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में 2012 में चयन हुआ तो 8 साल तक अध्यापन का कार्य भी किया। प्रकाश वीर ने बताया कि अब जब सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है तो मैं आरएएस की परीक्षा देकर आरपीएस बनने का सपना रखता हूं। समय मिलने पर क्रिकेट खेलने में रुचि रखने वाले प्रकाश वीर ने बताया कि सोशल मीडिया के इस दौर में अगर कोई व्यक्ति या युवा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाता है तो सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। दफन पद पर रहते हुए अपनी नौकरी करते हुए इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करी है। इस प्रतियोगी परीक्षा में बालाजी महाराज के आशीर्वाद और मेरे परिवारजनों के आशीर्वाद से साथ ही जो मित्रगण है मेरे, जिनमें बाबूलाल जी, हितेश जी और जो और मित्र है रामनिया जी शाहू हैं, रामनिया जी गुजर हैं, इन सबके योगदान से सर ये संभव हुआ है। और मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि यदि आप आत्मविश्वास के साथ यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको निश्चित रूप से ही सफलता हासिल होगी। और अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदारी से यदि आप ये करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी सर, मैं अध्यापक की नौकरी करते हुए जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं से संबंधित जो किताबें होती थी उनको पढ़ता था। इसके अलावा मैं मेरे घर पे ही रहकर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करी थी। यदि आप कोचिंग नहीं जाकर यदि घर पे भी अच्छी तरह से तैयारी करते हो तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं जब एज एसएचओ किसी थाने में मेरी पोस्टिंग होगी तो मेरा जो मूल मंत्र यही रहेगा कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जितने मुझे ड्यूटीज मिलती है उनका मैं पूर्णतः ईमानदारी से और लोगों की सहायता करते हुए अपनी ड्यूटी की वो का पालन करूँ। आज यहाँ पे बड़ा हर्ष का विषय है कि हम सभी के परम मित्र प्रकाश जी बेड़ा, जिनका कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर परीक्षा में तीसरी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, ये हमारे सब के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। और मैं सभी युवाओं से भी ये निवेदन कर चाहता हूँ कि वे ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेके आगे बढ़ें और निरंतर प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं प्रकाश जी बीड़ा से भी ये निवेदन करता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत रहें वहाँ पर बिना किसी राजनीतिक दबाव के, और मुख्य उद्देश्य आपने को यही रखना है कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए और किसी की तरह का अन्याय अपने क्षेत्र में वो नहीं होने दें।